जानलेवा वायरस की दहशत गर्दी ऐवान इक्तदार तक जा पहुंची और कोरोना की वबा पर काबू पाने में नाकामी की वजह से कोसोवा के वजीर आजम को अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ गया। कोसोवो में कोरोना वायरस फैलने और मुल्क में मुसलसल लॉकडाउन की वजह से वजीर आजम अल्बन कुर्ती को अपोजिशन और अपनी जमात की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, जबकि हुकूमत के इत्तेहादी जमातें भी इन्हें कोरोना फैलने का कसूरवार करार दे रही थीं। वायरस के खिलाफ नाकामी पर हुकूमत के इत्तेहादी जमात के रुकन ने ऐवान में वजीर आजम अल्बन कुर्ती के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की और 120 के ऐवान में से 82 अरकान ने इस करारदाद के हक में वोट दिया और यूँ ये तहरीक अदम एतमाद कसरत राय से मंजूर कर ली। कुर्ती ने 2 माह कबल ही बतौर वजीर आजम अपने ओहदे का हल्फ उठाया था और अभी वो मामलात को देख ही रहे थे कि इस दौरान मुल्क में कोरोना के केसेस सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक कोसोवो में कोरोना के 70 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों को लॉकडाउन कर दिया था। कोरोना की वजह से सामने आने वाली सूरत हाल के बाद मुल्क में फौरी इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं और इम्कान है कि पार्लियामेंट के अंदर ही तब्दीली लाई जाएगी और फिर कोई नया वजीर आजम मुंतखब किया जाएगा।